अब जैसे देखिए, ये नेक्स्ट चैप्टर है एक्जेलनी वर्ब। एक्जेलनी वर्ब में आपको जितना भी प्रकार का हेल्पिंग वर्ब होता है उस सब का प्रयोग आपको आना चाहिए। जब तक इस सब का प्रयोग आपको नहीं आ रहा तब तक आप इसका यूज़ नहीं कर सकते, चाहे वो किसी सब्जेक्ट के साथ हो तब और चाहे जैसे भी सेंटेंस में यूज़ कर रहे हो तब। अब एक्जेलनी वर्ब का कुछ खास खास चीज़ें हैं जो आप समझ सकते हैं। अब जितना भी इसके अंतर्गत, चाहे प्राइमरी हो, मॉडल हो, मार्जिनल हो, एक्जेलनी वर्ब को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से प्राइमरी है, मॉडल है और मार्जिनल है। अब इसमें टोटल 24 को किस तरह से बांटा गया है ये समझने से पहले आप ये समझ लीजिए कि इसके अंतर्गत जितने भी, चाहे डू, डैड, डिड, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, मस्ट, शुड, टू, ऑट, टू, नीड, डेयर, ये जितने भी है इसमें से जो भी है सबका सब्जेक्ट के साथ कोई ना कोई सिंगुलर प्लुरल का प्रयोग है। अब जैसे इसी में देख लीजिए, पहले हम इसके डेफिनेशन की चर्चा करते हैं कि वैसे वर्ब जो अन्य वर्ब के साथ प्रयुक्त होकर के क्वेश्चन, नेगेटिव तथा टेंस बनाने के साथ साथ पॉसिबिलिटी, संभावना तथा विलिंगनेस, इच्छा को एक्सप्रेस करने का कार्य करते हैं, एक्जेलरी वर्ब कहलाता है। इन्हें हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। अब जैसे समझने की बात है इसमें कि एक्जेलरी वर्ब कभी भी आप जैसे टेंस पढ़े होंगे तो सेंटेंस बनाते समय जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य आप बनाते हैं तो क्या बोलते हैं, आई राइट अ लेटर या सी राइट्स अ लेटर, इस तरह से सेंटेंस आप बनाते हैं। लेकिन जैसे आप असर्टिव से नेगेटिव में जाते हैं तो आपको एक हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। हेल्पिंग वर्ब मतलब कि इसका स्ट्रक्चर जैसे हो जाता है सब्जेक्ट, डू, डज, नॉट, ह्यून प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से। तो जैसे ही असर्टिव से नेगेटिव में हम सेंटेंस बनाते हैं तो लिखते हैं आई डू नॉट राइट अ लेटर या सी डज नॉट राइट अ लेटर, इस तरह से हमको डू डज क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग कर लिया। तो जैसे ही असर्टिव से यहाँ पर दिया हुआ है कि किसी भी सेंटेंस ये जो है वर्ब जो अन्य वर्ब के साथ यानी कि मेन वर्ब के साथ प्रयुक्त होकर के क्वेश्चन, नेगेटिव टेंस यानी कि क्वेश्चन यानी कि इंट्रोगेटिव में बनाने का, नेगेटिव सेंटेंस बनाने का या टेंस में प्रयुक्त हो, टेंस में भी आप जिस टेंस में भी गए होंगे चाहे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, जिस तरह का हेल्पिंग वर्ब आता है सब उसमें यूज़ होता है। अब जैसे सिंपल प्रेजेंट में हम वी वन वी फाइव यूज़ करते हैं और जैसे असर्टिव से नेगेटिव में जाते हैं तो डू डज का प्रयोग हो जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाते हैं इज, एम, आर का प्रयोग हो जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं हैज, हैव का प्रयोग हो जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाते हैं हैज, हैव बीन का प्रयोग हो जाता है। तो ये हेल्पिंग वर्ब की बात है। अब जैसे एक्जेलरी वर्ब की बात इसमें आगे है कि काइंड्स ऑफ एक्जेलरी वर्ब, इट हैज़ 3 काइंड्स। पहला है प्राइमरी एक्जेलरी वर्ब, दूसरा है मॉडल एक्जेलरी वर्ब और तीसरा है मार्जिनल एक्जेलरी वर्ब। प्राइमरी के अंतर्गत यहाँ पर दिया हुआ है वर्ब टू बी, यानी कि ये जो बी, बीइंग, बिन, इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये सब जो है ये बी का रूप है। इसमें आपको अलग अलग चैप्टर में जाइएगा तो इस चीज़ सब का जरूर अनुभव होता है कि आप जैसे सिंपल फ्यूचर में आप जाते हैं तो लिखते हैं शैल सब्जेक्ट, शैल विल, वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस में आप जाइएगा तो वहाँ पर कंटिन्यूअस में ले जाने के लिए बी का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि नियम कहता है कि किसी भी मॉडल वर्ब के बाद डायरेक्ट आप वी फोर का प्रयोग नहीं कर सकते, इसीलिए कंटिन्यूअस में जाते समय हम शैल विल के बाद क्या करते हैं, बी लगा देते हैं और फिर वी फोर। उसी तरह अगर एक्टिव से पैसिव वॉइस में अगर जब बनाते हैं तब यहाँ कंडीशन हो जाता है कि सिंपल फ्यूचर का, फ्यूचर कंटिन्यूअस का तो पैसिव बनता नहीं, तो फ्यूचर सिंपल फ्यूचर का सब्जेक्ट शैल विल, वी प्लस ऑब्जेक्ट या टोटल मॉडल वर्ब ले लीजिए जितना भी इसमें दिया हुआ है, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, मस्ट, शुड, टू, ऑट, टू, जितना भी दिया हुआ है सब मॉडल वर्ब है। एक स्ट्रक्चर उसका पेशी में बनता है कि ऑब्जेक्ट मॉडल वर्ब प्लस बी ई बी वी थ्री बाई सब्जेक्ट, तब जाकर के वी थ्री लगता है। तो या तो मॉडल वर्ब जब ये रहेगा तो वी थ्री लगा करके हम पेशी बनाएंगे डायरेक्ट, लेकिन उससे पहले बी लगाते हैं, और कंटिन्यूअस में अगर रहेगा तब बी लगा करके वी फोर यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस में आप सेंटेंस देख लिए होंगे। इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है कि इज, एम, आर, इज, एम, आर हम कहाँ देखे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देखे होंगे या सिंपल प्रेजेंट टेंस का 5 काइंड्स में पढ़ाता हूँ,
पांच कैंट्स होता है पोजीशन, पोजीशन पॉसिबिलिटी, कंपल्सन, एक्शन। पोजीशन मतलब होता है जो स्थिति बताता है। स्ट्रक्चर आप लोग पढ़े होंगे, अक्सर ये स्ट्रक्चर नहीं पढ़ाया जाता, टेंस तो अक्सर सब पढ़ा देते हैं, लेकिन सिंपल सेंटेंस शायद कोई कोई पढ़ाता है, और वो भी कि आप ये सब बच्चे से जानते हो इसलिए छोड़ देते हैं हर क्लास में। लेकिन समझो आप इस बात को कि अगर EJMR का प्रयोग हम पोजीशन की बात करते हैं तो सब्जेक्ट EJMR प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अगर कोई कहेगा आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का, इसमें मेन वर्ब काम नहीं कर रहा लेकिन फिर भी एक सेंटेंस है। इसी तरह से पोजीशन होता है, जैसे पोजीशन में अधिकार, पोजीशन मतलब अधिकार, जैसे मेरे पास एक कलम है, आई हैव अ पेन। पॉसिबिलिटी संभावना, मैं पटना जाने वाला, आई एम टू गो टू पटना, इस तरह से सेंटेंस बनता है। उसके बाद में है कंपल्शन, इसी में एक किसी भी मेन वर्ब को दो बार आप बोलते हैं, जैसे वह मरने मरने को है, वह जाने जाने को है, खाने खाने को, इस तरह से सेंटेंस रहता है। तो उस सेंटेंस को आप बनाने के लिए क्या करते हैं कि जैसे कहते हैं कि वह मरने मरने को है, ही इज अबाउट टू डाई, इस तरह टी ओ टू के पहले अबाउट लग जाता है। उसके बाद में आता है कंपल्शन। कंपल्शन का मतलब होता है बाध्यता सूचक वाक्य। बाध्यता का मतलब होता है कि कोई काम करने के लिए आप बाध्य हैं, तो आप कहते हैं कि आई हैव टू गो टू पटना, मुझे पटना जाना पड़ता है, इस तरह का सेंटेंस बनता है। उसके बाद बच गया एक्शन डिनोटर सेंटेंस, जो हम टेंस में भी पढ़ते हैं। एक्शन की बात जब भी करते हैं तो आ जाता है सब्जेक्ट V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, जो हम टेंस में भी पढ़ते हैं। सिंपल सेंटेंस में भी एक काइंड्स होता है, लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस कह करके हम पांच काइंड्स पढ़ाते हैं, जो पहला पोजीशन, दूसरा पोजेशन, तीसरा पॉसिबिलिटी, चौथा कंपल्शन और पांचवा एक्शन होता है। इसी तरह से पास्ट में भी और फ्यूचर में भी पांच पांच काइंड्स होते हैं और टोटल 108 स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद टेंस में 74 स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर पर जब भी आपको बेसिक में ये कम से कम इतना चीज़ जरूर आ जाता है, बेसिक में 3-4 चीज़ पढ़ाता हूँ और मेरा दावा है कि बेसिक इतना अगर पढ़ लिया जाए तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ये कहेगा कि इंग्लिश का बेसिक उसको या कोई भी चैप्टर पढ़ने के बाद उसे समझ में नहीं आ रहा, ऐसा वो कह नहीं सकता। बेसिक इतना ज़रूर पढ़ाना कोई भी टीचर को चाहिए और कोई भी स्टूडेंट को पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये बेसिक है। अब जैसे इसी में देख लीजिए, प्राइमरी एग्जाम्पल वर्ब के अंतर्गत बी बीन बिन इज एम आर वॉज वेयर हैज हैव हैड हैविंग एंड डू, ये सब आता है, डू डज डिड, ये सब तीनों हैं। उसके बाद में मॉडल एग्जाम्पल वर्ब के अंतर्गत कैन कुड मे मेट शैल शुड विल वुड मस्ट शुड टू अट टू, ये सब आता है। और उसके बाद मार्जिनल एग्जाम्पल वर्ब के अंतर्गत नीड और डेयर, ये दोनों आते हैं। सबका प्रयोग अलग अलग से दिया हुआ है। अब जैसे देखिए आगे प्रयोग दिया हुआ है, डू डज डिड को प्राइमरी एग्जाम्पल वर्ब कहते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल वर्ब्स कहते हैं। नीचे दिया हुआ है सम इम्पोर्टेंट फैक्ट ऑफ एग्जाम्पल वर्ब्स, कुछ तथ्य हैं जो एग्जाम्पल वर्ब को आपको साबित करता है कि यह क्यों ऐसा है। अब पहला रूल कहता है कि मॉडल एग्जाम्पल वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में नहीं होता है, इसका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। अब जैसे देखिए कह रहा है कि यू कैन हेल्प मी, तुम मेरी मदद कर सकते हो, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर लीडर्स, हम लोगों को अपने से बड़े की आदर करनी चाहिए। अब जैसे इसमें देखिए यहाँ पर सेंटेंस दो तीन वो हमको दिखा दिया है। मॉडल एग्जाम्पल वर्ब यहाँ पर कहता है कि मॉडल एग्जाम्पल वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में नहीं होता। मेन वर्ब का मतलब क्या होता है, जो हम अपने दैनिक जीवन में काम करते हैं, पढ़ना लिखना खाना पीना सोना जागना इसी तरह से। अब जैसे जितना भी ये प्राइमरी के अंतर्गत आता है उसको हम V1, V2, V3, V4, V5 के अंतर्गत लिखते हैं। जैसे डूडज जो होता है वो V1 होता है, डू होता है V1,
डिड होता है वी डू, डन होता है वी थ्री, डूइंग होता है वी फोर और डज होता है वी फाइव। उसी तरह ई जे एम आर में एम और आर को वी वन के अंतर्गत रखा गया है, वाज वेयर को वी टू के अंतर्गत, उसके बाद बिन को वी थ्री, बींग बी ई आई एन जी बींग को वी फोर और इज को वी फाइव। उसी तरह हैव को वी वन, हैड को वी टू, हैड को वी थ्री, हैविंग वी फोर और हैज को वी फाइव माना गया। तो इस तरह से इसका प्रयोग और हेल्पिंग वर्ब के जितना भी है सबका प्रयोग आपको सब्जेक्ट के अनुसार आना चाहिए, वो मैं एक एक करके आपको बताऊंगा जितना भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग है सब, क्योंकि शेड्यूल बाय शेड्यूल एक चैप्टर में मैं एक ही चीज़ बता सकता, क्योंकि सारा चीज़ मैं ऐसे बोल तो सकता हूँ, बस एक दो बार आप रिवाइज करोगे इसको सुन करके तो मुझे लगता है कि जल्दी बेहतर सीख जाओगे आप। इसमें दिया हुआ है मॉडल एक्जेली भर का वी वन वी टू वी थ्री वी फोर आई एन जी फॉर्म, वी फाइव एस ई आई एस फॉर्म आदि फॉर्म्स नहीं होते। इसका प्रयोग सभी नंबर तथा पर्सन सब्जेक्ट के साथ हमेशा एक ही रूप में रहता है, सही है। अब जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस को आप बनाइएगा, ये आई एम राइटिंग अ लेटर, सी इज टीचिंग इंग्लिश। अब जैसे सेंटेंस बनाया तो हमने अलग अलग सब्जेक्ट के साथ अलग अलग हेल्पिंग वर्ब लगाया, लेकिन मॉडल वर्ब में क्या है? अगर आप लिखेंगे कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, यू कैन स्पीक इंग्लिश, ही कैन स्पीक इंग्लिश, एवरीवन कैन स्पीक इंग्लिश, मतलब हर जगह हम कैन 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 का प्रयोग करेंगे, कोई कंडीशन ही नहीं। लेकिन हाँ, मॉडल वर्ब में एक है कि जिस तरह से प्राइमरी में प्रेजेंट का कंडीशन पास्ट का कंडीशन आता है, इसी तरह ये प्रेजेंट टेंस में इस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, पास्ट में इसका प्रयोग करना है, इसी तरह मॉडल में कंडीशन है कि कैन का प्रयोग तीन कंडीशन में किया जाता है, एबिलिटी योग्यता, पावर शक्ति और कैपेसिटी क्षमता। इसको बताने के लिए आगे चल करके ये बात होगी ही। उसी तरह कैन का पास्ट फॉर्म कोड होता है, कोड को बताने के लिए पास्ट एबिलिटी, पास्ट पावर और पास्ट कैपेसिटी का प्रयोग किया जाता है, ये सब। उसके बाद इसमें और भी देख सकते हैं, नंबर पर्सन के साथ हमेशा एक ही रूप में, यानी कि ये स्वतंत्र होता है अपने सब्जेक्ट से, अर्थात इसके रूप फॉर्म में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे देखिए आई कैन स्पीक इंग्लिश, वी कैन स्पीक इंग्लिश, ये सब दिया हुआ, तो आई भी है उसके साथ भी कैन, वी है उसके साथ भी कैन। अगला है रूल, नेक्स्ट, सामान्यतः मॉडल एक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब वी वन फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब का प्रयोग होता है, अर्थात इन्फिनिटिव विद टू का प्रयोग नहीं होता, सही है। मॉडल वर्ब जितना भी होता है, अब जैसे हम अभी अभी सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत पोजीशन पोजेशन पॉसिबिलिटी कंपल्सन एक्शन बताए हैं कि उसमें टू प्लस वी वन होता है, सब्जेक्ट इज एम आर टी ओ टू, टू प्लस वी वन होता है, सब्जेक्ट हैज हैव टी ओ टू, वी वन प्लस ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि आई एम टू गो टू पटना, आई हैव टू टीच इंग्लिश, इस तरह से सेंटेंस बनता है। लेकिन इसमें मॉडल वर्ब में है कि इसमें आप टी ओ टू का प्रयोग नहीं कर सकते। अब जैसे देखिए कैसे नहीं कर सकते, अब जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि आई कैन गो, गो भी वन, ये सही है। अगर यहाँ पर दिया हुआ है कि आई कैन टू गो, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि मॉडल वर्ब के बाद डायरेक्ट टू कभी नहीं आएगा। यहाँ पर है टू गो इन्फिनिटिव विद टू, He will come here. ये सही है। इस तरह से अगला रूल कहता है कि out तथा used के बाद infinitive to का प्रयोग होता है। अब जैसे देखिए out to और used to, ये फिक्स ही है, ऐसा नहीं है कि इसमें स्पेशल अलग से लगाया जाता है, इसमें है ही पहले से। out to मतलब चाहिए और used to मतलब जाया करता था। एक एक का मतलब मैं बताऊंगा कि ऑट टू का मतलब होता है कि स्ट्रॉन्ग मॉरल ऑब्लिगेशन को बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। स्ट्रॉन्ग मॉरल ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कि तीव्र इच्छा शक्ति, अगर आपको अपने देश की सेवा करनी है तो करनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप नहीं भी कर सकते। मतलब हमको, हम लोगों को अपने बूढ़े माता पिता की देखभाल करनी चाहिए, मतलब करनी ही चाहिए,
वी आर टू, लुक आफ्टर आवर ओल्ड पेरेंट, इस तरह से सेंटेंस रहता है। अब इसमें देखिए यहाँ पर नीचे दिया हुआ है वी आर टू हेल्प द पुअर, हम लोगों को गरीबों की मदद करनी चाहिए, वी आर टू हेल्प द पुअर, ये सब दिया हुआ है। उसके बाद है डेयर तथा नीड का प्रयोग मेन भर्ब के रूप में होता है। अब जैसे देखिए ही नीड्स माई हेल्प, उसे मेरी मदद की ज़रूरत है। नीड यूज्ड एज मेन भर्ब, यहाँ पर जो नीड्स भी फाइव हो गया है या किस रूप में यूज हुआ है, मेन भर्ब के रूप में यूज हुआ है, क्योंकि हम एस सी आई एस लगा करके मेन भर्ब में ही यूवन से क्या करते हैं, वी फाइव बना लेते हैं। इसी में अगला देखिए कह रहा है कि सी डज नॉट डेयर टू गो देयर। अब यहाँ देख लीजिए ये हेल्पिंग भर्ब बन गया है और यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं, मेन भर्ब बन गया है और यहाँ पर हेल्पिंग भर्ब क्या आ गया, डू डज आ गया। इसी के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं और डू के साथ ये क्या बोलते हैं, और बाकी पुल्लर वाला जैसे आए हो गया, वी हो गया, दे हो गया, पुल्लर नाउन हो गया, इस सब के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं इस तरह से। इसमें कुछ कुछ आगे चल करके एक एक कर का मतलब से प्रयोग है, तो उसमें सारा डिटेल्स में आपको बताया जाएगा। रूल नेक्स्ट में कहता है कि भर्ब टू बी का प्रयोग, अरे टू बी का प्रयोग मतलब बी ई बी का प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में, यानी कि मेन भर्ब व्यूअर फोर प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब भी फोर बनाने में की करते हैं के पहले होता है। जैसे देखिए ही इज टेकिंग कॉफ़ी, मैंने बताया था कि बी जो है बी का ही रूप क्या है, इज एम आर वाज वेयर बी बिंग बिन, ये सब जो है इज का ही रूप है। तो यहाँ पर लिखा हुआ ही इज टेकिंग कॉफ़ी, सी विल बी डांसिंग। अब यहाँ पर देखिए सी विल है, लेकिन नियम है कि कभी भी आप मॉडल भर के डायरेक्ट बाद आप भी फोर नहीं कर सकते, उसके पहले आपको बी रखना पड़ेगा तब कंटिन्यूस में, और यही स्ट्रक्चर आपने पढ़ा भी है कहाँ, फ्यूचर कंटिन्यूस में। उसके बाद है अगला रूल वर्ब टू बी का प्रयोग पैसिव वॉइस में मेन वर्ब भी थ्री पास्ट पार्टिसिपल के पहले होता है। कि लाइट आ गई है, लाइट कट गई थी तभी से। यहाँ पर कहता है कि भर्ब टू बी का प्रयोग पेशी वॉइस में मेन भर्ब भी थ्री। अब जैसे देखिए कोई मॉडल भर्ब भी यूज़ करते समय आप एक्टिव से पेशी में बनाइएगा या कोई भी, तो उसमें देखिए अब जैसे यहाँ पर कहता है कि भर्ब टू बी का प्रयोग पेशी वॉइस में भी थ्री पास्ट पार्टिसिपल के पहले होता है। अब जैसे लिखा है अ लेटर वाज रिटेन बाय मी, माई वॉच हैज़ बीन स्टोलन बाय देम। अब यहाँ पर है कि अ लेटर वॉज रिटेन बाय मी, ये सेंटेंस सिंपल पास्ट से पेसिव में बना है, इसका सही रूप हो जाएगा आई रोट अ लेटर, इसी का पेसिव में ये बन गया है। उसके बाद अगला कहता है वर्ब टू बी का प्रयोग पेसिव वॉइस में इंट्रांजिटिव वर्ब भी थ्री के भी थ्री पास्ट पार्टिसिपल के पहले होता है। इंट्रांजिटिव अब मतलब समझ जाइए, यहाँ पर कहता है द सन हैज़ कम आउट, सूरज निकल गया है, समर इज गॉन, ग्रीष्म चला गया है। अब यहाँ पर क्या कहता है कि वर्ब टू बी का प्रयोग पेशी वॉइस में इंट्रांजिटिव वर्ब के भी थ्री पास्ट पार्टिसिपल के पहले भी होता है। अब ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब बताइए, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद जो है डायरेक्ट क्या होता है, मेन वर्ब आ जाता है, इतना ही इसमें जानना है। अब यहाँ पर है डू डज का प्रयोग, डू डज डिड, इसका प्रयोग सिंपल प्रेजेंट तथा सिंपल पास्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए होता है। अब जैसे देखिए सिंपल प्रेजेंट अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें ज़रूर देखे होंगे कि जब आपका असर्टिव में सेंटेंस होता है तो सब्जेक्ट वी वन वी फाइव प्लस ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन जैसे असर्टिव से नेगेटिव में जाते हैं तो सब्जेक्ट टू डज नॉट वी वन प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है। इंट्रोगेटिव में जाइएगा तो टू डज सब्जेक्ट वी वन प्लस ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव डब्ल्यू एच क्वेश्चन टू नेगेटिव, एक को हम छः कंडीशन में लिख सकते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब मेन हमें यहाँ जानना है कि हेल्पिंग वर्ब जो प्रयोग होता है वो किस सेंस में। उसके बाद सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट वी टू प्लस ऑब्जेक्ट आप जानते हैं, लेकिन जैसे ही सब्जेक्ट वी टू प्लस ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो क्या आ जाता है कि असर्टिव में आपको सब्जेक्ट वी टू प्लस ऑब्जेक्ट
लेकिन जैसे असर्टिव से नेगेटिव में जाइएगा तो सब्जेक्ट डिड नॉट बी वन प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तब आपका मेन वर्ब बी वन हो जाता है। इसमें दिया होगा एग्जांपल, ही डज नॉट वांट टू टेल अ लाई। अब यहाँ देखिए डज का प्रयोग असर्टिव टू नेगेटिव में दिया होगा, डज नॉट वांट टू टेल अ लाई। अरे यू डोंट टेल मी अ स्टोरी, इसमें देखिए डू का प्रयोग है यू के साथ। उसके बाद में सी डिड नॉट गिव मी अ नोटबुक, इस तरह से जो इस एक्सप्लानेशन इस तरह से हम बताते जा रहे हैं उसको आप एक्सप्लेन करके अगर सुन लेंगे मुझे नहीं लगता कि एक भी क्वेश्चन आपको छूटेगा। ये मैं इस उद्देश्य से पढ़ा रहा हूँ कि कॉम्पिटिटिव का क्वेश्चन जो भी एसएससी बैंकिंग वगैरह इस सब की तैयारी करते हो या कोई 11th 12th में भी हो तो उसको भी ये ज़रूरी है, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि आप जो यहाँ 50 मार्क का ऑब्जेक्टिव पूछता है जिसमें से आपको 60 कही और उसमें से 35 मार्क्स का आपको ग्रामर रहता है, जब तक आप पढ़े नहीं रहिएगा यू नेवर राइट योर राइट आंसर। जस्ट लाइक लिसन टू मी केयरफुली एंड यू नो दैट यहाँ पर कहता है कि हैज हैव हैड का प्रयोग प्रेजेंट पास्ट था फ्यूचर टेंस के सेंटेंस में मेन वर्ब V3 पास्ट पार्टिसिपल के पहले होता है, पास्ट पार्टिसिपल। यहाँ पर कहता है कि आई हैव मेड अ मिस्टेक। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट का अगर हमको टेंस अगर आता है वो तो हम जानते हैं कि सब्जेक्ट हैज हैव V3 प्लस ऑब्जेक्ट होता है प्रेजेंट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में जैसे ही जाते हैं तो पास्ट परफेक्ट में हो जाता है सब्जेक्ट हैड V3 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है। उसके बाद है में क्वेश्चन सब दिया है, आई हैव मेड अ मिस्टेक, यू हैव स्पोकन द ट्रुथ, ही हैज रिटेन अ लेटर। ये सेंटेंस अब प्रेजेंट परफेक्ट में बना है। फिर नीचे दिया हुआ है कि नोट इज एम आर वाज वेयर बिन डू डज डिड हैज हैव हैड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होता है। मैंने बताया था अभी कि ये V1 V2 V3 V4 V5 के रूप में आप इसको लिख सकते हैं। वी आर हैप्पी, अब जैसे देख लीजिए यहाँ पर मेन वर्ब काम नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी हम अभी पोजीशन पॉसिबिलिटी कंपल्शन एक्शन इस सब की बात किए थे। यहाँ पर कहता है सी इज नटी, ही वाज अ पॉपुलर लीडर, इस तरह से सेंटेंस दिया हुआ है। नीचे दिया हुआ है कि इज एम आर वाज वेयर बीन डू डज डिड हैज हैव हैड के बाद इन्फिनिटिव विद टू का प्रयोग होता है। मैंने बताया था पॉसिबिलिटी में सब्जेक्ट इज एम आर टू टू वन प्लस ऑब्जेक्ट होता है, तो इन्फिनेटिव का मतलब क्या टू प्लस भी हुआ। यहाँ पर दिया हुआ आई एम टू सी हर टुमोरो, टू का प्रयोग किया गया उसके बाद मेन वर्ब भी हुआ। लेकिन यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि एम के बाद V4 क्यों नहीं है, V4 इसलिए नहीं है क्योंकि ये सेंटेंस आपका पॉसिबिलिटी से प्रेजेंट कंटिन्यूस में जाइएगा तो सब्जेक्ट इज एम आर और डायरेक्ट V4 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। वी आर टू बी मैरिड नेक्स्ट मंथ, इस तरह। ये कुछ फैक्ट था जो आपको हेल्पिंग वर्ब के बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए ताकि आप इसको समझ सकें। ये 20-25 मिनट का मेरा वीडियो हो गया और ये अभी तक हम मॉडल वर्ब को एक्सप्लेन करने तक भी नहीं पहुँचे। कोई बात नहीं, इसको दूसरा वीडियो बना करके हम अपलोड करेंगे, लेकिन ये जितना भी कुछ मैंने इसमें बताया है मैंने बिना कोई स्टॉप लिए इसको एक एक करके बताया है। आप कोशिश करेंगे कि जितना है उसको कम से कम एक दो बार रिवाइज करके सुन ले, क्योंकि मैं थोड़ा बोलता स्पीड हूँ। स्पीड में बोलने का मतलब है कि मेरे पास टॉपिक ज़्यादा है बोलने के लिए, बहुत सारे मतलब से कोई भी टॉपिक मैं शुरू करूँगा तो मैं इसी तरह से डिटेल्स में चला ही जाता हूँ, क्योंकि एक्सपीरियंस भी तो कोई मायने रखती पर मेरे पास उतना एक्सपीरियंस है, तो इसीलिए कम से कम एक दो बार इसको रिवाइज कर लीजिए कि मैंने कहा क्या सब, ये ज़रूरी है। अब जैसे इसमें अगला आ जाएगा कि यूज ऑफ मॉडल वर्ब, मैं जल्दी ही इसको अपलोड कर दूंगा, है ना, दूसरे वीडियो में। थैंक्स ए लॉट, इसको वॉच कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा